22 जनवरी की रात्रि में काली मंदिर के पास स्थित बेयरिंग की दुकान में लगी भीषण आग को बुझाने के दौरान 5 अग्निशमन कर्मचारी झुलस गए थे, जिसमें अग्निरक्षक निर्भय राय, बिजय सिंह, आशीष नंदन सिंह, नरेंद्र नाथ पाठक और सत्यवान सिंह शामिल थे। अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन करते हुए झुलसे फायर ब्रिगेड के कर्मियों को महानगर की एक संस्था द्वारा उनके साहसी कार्य के अग्निरक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। फायर ब्रिगेड गोलघर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि CFO देवेंद्र कुमार सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था के देश दीपक श्रीवास्तव, अमित पटेल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्था के संरक्षक देश दीपक और CFO देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा, एक ऐसी दुर्घटना हुई, चूंकि हम सभी परिवार का हिस्सा हैं, हमारे इस संस्था के संरक्षक राजा नहीं था, एक मोटर पार्ट्स की एक दुकान में इस तरह से आग की लपट बाहर निकल पाएगी। हम लोग उसकी तरीके उस अपने फायर फाइटिंग के तरीके से तो काम कर रहे थे, लेकिन इतना नहीं था कि ये इस तरीके से विस्फोट होगा और लपट जो है कि 15 फीट 14 फीट बाहर निकलेगी और हम लोग उसमें झुलस जाएंगे। हम लोग वहाँ काम किए, हम लोग बेसमेंट में अंदर घुस घुस के कुओं जैसी आग बुझाए हैं, जहाँ पे कहीं भी धुआं बाहर निकलने का नहीं रहता। हम लोग सुरक्षित अपने को करते हुए और काफ़ी जान माल को बचाया है। बहुत बार ऐसे होते हैं कि हम लोग को पता नहीं होता है कि केमिकल है उसमें, कौन सा केमिकल है, पानी डालने में क्या रिएक्शन होगा। हम लोग ऐसे ऐसे आगों पर फिर हमको अंदाज़ा लग जाता है कि नहीं है, तो हम लोग दूसरे तरीके से जो हमारे पास और संसाधन है, फॉर्म है और है, हम लोग बुझाते हैं। बहुत ये हम लोग का काम है, थोड़ा रिस्की काम है, फायर फाइटिंग काम कोई आसान नहीं है, ये बहुत जाबाजी का काम है। और बहुत बार हम लोग ऐसे भी भवन में जाते हैं जिसमें हम लोग को पहले से पता नहीं रहता है कि वहाँ पर क्या रखा हुआ है, वहाँ पर LPG का स्टोरेज है या किसी केमिकल का स्टोरेज है या कोई हाईली एफ्लेबल चीज़ का स्टोरेज है। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं और हमारा काम अच्छा होता है, हम एक अच्छी नीयत से काम करते हैं, जनमानस की जान बचाने के लिए काम करते हैं, उनकी संपत्ति बचाने के लिए काम करते हैं, इसलिए कभी हम लोग को ऐसा हादसा नहीं हुआ। पहली बार एक गोरखपुर के लिए पहली घटना है जो एक छोटी सी आग में हम लोग जो है कि झुलस गए। तो हम लोग का काम फायर फाइटिंग का बहुत रिस्की काम है और इसके लिए हम लोग तो हमेशा है, लेकिन आप लोगों ने हम लोग को समझा और आप सम्मानित करना चाह रहे हैं हमारे जवानों को, हमारे विभाग को, तो हम दिल से आपको आभार व्यक्त करते हैं। सम्मान का मकसद मेरा ये है कि शहर में जो भी कुछ इस तरह उल्लेखनीय कार्य होते हैं उसको हमारी संस्था द्वारा कोशिश की जाती है कि उनको सम्मान करके उनकी हौसला अफजाई की जाए। इसलिए हमारी संस्था ने यह सोचा कि इन सारे जवानों का जो है सम्मान किया जाए, ताकि ये इनको प्रेरणा मिले, आगे बाकी लोग भी उससे प्रेरित हों और कार्य को अच्छे तरीके से सम्पन्न करें। 22 जनवरी को एक यहाँ पे बेयरिंग हाउस में एक दुकान थी, वो मोटर पार्ट की दुकान थी, उसमें आग लगी थी, जिसकी सूचना पे फायर सर्विस के जवान पहुंचे थे। आग बुझाते समय उसमें कुछ केमिकल या कुछ भी रहा होगा, जिसकी एक लपट 12 फीट 14 फीट बाहर निकली दरवाजे से और जिसमें हमारे 5-6 जवान झुलस गए, जिसमें 4 ज़्यादा और 2 आंशिक रूप से झुलसे, जिनको जिला अस्पताल से ले जाके फिर BRDM का इलाज कराया गया। 2 तो उसी दिन छूट गए, 4 का लंबे समय तक इलाज हुआ, इस समय सब ठीक हो गए हैं। उनको सम्मानित करने के लिए जागो गोरखपुर के टीम द्वारा, उनके हेड द्वारा आज कर्मचारियों को इनको मनोबल बढ़ाने के लिए, इनका हौसला अफजाई करने के लिए उनको सम्मानित किया गया। इस संस्था को मैं अपने पूरे फायर सर्विस के विभाग की तरफ अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने फायर सर्विस को महत्व को समझा, इनको मनोबल बढ़ाया
फायर सर्विस के जवान इस तरह से हमेशा काम करते रहते हैं, क्योंकि जोखिम भरा काम होता है। हम लोग को पता नहीं रहता है कि कहाँ पे कौन सा केमिकल का स्टोरेज है, कहाँ पे कौन सी ज्वलनशील सामग्री का है। हम लोग अच्छे काम के लिए वहाँ जाते हैं, कभी कभी तो वहाँ विषैली गैसों से भी सामना पड़ता है। और उस काम को लिए लोगों ने समझा और हम लोग तो उस ड्यूटी को हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जब उसमें किसी द्वारा सम्मानित किया जाता है, पुरस्कारित किया जाता है, तो उससे जवानों का और विभाग का मनोबल बढ़ता है। मैं इस संस्था को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उन्होंने इस महत्व को समझा और यहाँ उपस्थित होकर हमारे जवानों को सम्मानित किया। धन्यवाद।